मैं डॉक्टर लोकेंद्र तलेगांवकर जी को आमंत्रित करूंगी कि वो दो शब्द हमारी संस्था के लिए बोले। हमारी संस्था के ही हैं, मेरे चाचा हैं पंडित लोकेंद्र तलेगांवकर। नमस्कार, मैं लोकेंद्र तलेगांवकर पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला के पुणे द्वारा आयोजित संगीत नक्षत्र पेशव रघुनाथ तलेगांवकर जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आप लोग सभी को बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग इतने संख्या में आए ये इसी बात का कि कार्यक्रम सफल हो रहा है और सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और इसी तरह जाता हूँ मैं, आप भविष्य में भी हमारे मेघा तलेगांवकर जो इस कार्यक्रम को चला रही हैं उसको भरपूर सहयोग दें और इसको उच्च शिखर पर पहुँचाएँ और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम को मूर्त देने के लिए हमारे मनोज राव जी हैं, डॉक्टर मनोज राव जी, उनका भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो कि इस कार्यक्रम सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मेघा को पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर लोकेंद्र तलेगांवकर जी। एक परिवार का साथ अगर किसी को ना हो तो वो कभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि परिवार का साथ उसकी शक्ति बनती है और शक्ति जब लगती है तभी काम आगे बढ़ता है, तब इंजन चलता है। तो आज मैं अपने अतिथि कलाकार को यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, श्री अद्वैत अभ्यंकर जी को। आप पुणे के विख्यात तबला वादक हैं। आपने अपनी सांगीतिक शिक्षा पंडित विनायक फाटक एवं रामदास पलसुले जी से ली। इस समय आप तबले की बहुत अच्छी क्लासेस आप लेते हैं, आवर्तन नाम से। आपने बहुत सारे अवार्ड तबले के लिए लिए हैं, यंग आर्टिस्ट अवार्ड उमरानी प्रतिष्ठान कराड़ की ओर से, श्रीरंग कला निकेतन अवार्ड, राष्ट्रीय संगीत संकल्प अवार्ड। आपने, आप बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपने उसके बाद पूर्णतः संगीत में आना ज़्यादा अच्छा समझा और आज आप इसको फलीभूत भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़कर, इंजीनियरिंग करके उसके बाद कलाकार होना और उसको पूरी तरह से अपने अंदर लेना, उसे कंसीव करना, ये बड़ी बात है। इसके लिए हम अपनी संस्था द्वारा आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। इसी श्रृंखला में आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत करने के लिए संवादिनी पर बैठी हैं अंशुला मोरे जी। अंशुला मोरे जी पुणे के सुविख्यात, पुणे क्या बोलें, पूरे देश के बोलने चाहिए, प्रमोद मराठे जी की शिष्या हैं। अगर हारमोनियम कहीं आता है तो प्रमोद मराठे जी आ ही जाते हैं। संवादिनी का नाम और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम अपने मंच से आपका भी आज यहाँ स्वागत करते हैं। अंशुला मोरे जी के गुरु जी प्रमोद मराठे जी और तन्मय देवसके जी हैं। आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर कलावर्धनी अवार्ड, श्रीरंग कलावर्धनी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। समय की थोड़ी कमतरता है सर के पास, सर को जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करते हुए अब उनके कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। अमोक काळे जी, बेटा आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच खूब खूब शुभ हो और आप खूब अच्छा बजाएं। इन्हीं चीज़ों के साथ हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पंडित राजन कुलकर्णी सर, सुरेश हरिदास सर आणि इतर सर्व मान्यवरांना वंदन करून ताल तीन ताल सादर करायचा प्रयत्न करतोय। ज्या चुका आहेत त्या अर्थात माझ्या आहेत, जे बरोबर आहे ते अर्थात गुरुजनांचे। प्रयत्न करतो, तुम्हाला आवडेल असं नक्की वाजवायचा प्रयत्न करेन। धन्यवाद।
बहुत ही बढ़िया तबला वादन हमारी संस्था की ओर से। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारी संस्था में आए और इतना अच्छा तबला वादन प्रस्तुत किया। आपके सम्मान के लिए मैं श्रीमती सुनंदा राव और डॉक्टर लोकेन तलेगांवकर जी को आमंत्रित करूंगी। संस्था की ओर से आज हम आपको सुर शरण गौरव का सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। मैं अभिनंदन पत्र का वाचन करूंगी। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र पुणे के संयुक्त तत्वाधान में संगीत नक्षत्र पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी के मानस सानिध्य में आयोजित सुर शरण संगीत समारोह 2023 द्वितीय वर्ष अभिनंदन पत्र प्रतिष्ठा में श्री अद्वैत अभय अभ्यंकर विख्यात तबला वादक पुणे, आपकी समर्पित कला साधना एवं सक्रिय रचनात्मक योगदान हेतु सुर शरण गौरव के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं अंशुला मोरे जी, बहुत अच्छी संगत, बहुत सदी हुई और बहुत मीठी संगत, आपको हम अपनी संस्था की ओर से सुर शरण सहोदर का सम्मान देने जा रहे हैं। मैं अभिनंदन पत्र वाचन कर रही हूँ। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र पुणे के संयुक्त तत्वाधान में संगीत नक्षत्र पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी के मानस सानिध्य में आयोजित सुर शरण संगीत समारोह 2023 द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा में सुश्री अंशुला मोरे, संवादिनी वादिका पुणे, आपके विशेष सक्रिय रचनात्मक सहयोग हेतु सुर शरण सहोदर के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अमोक काळे जी को भी हम अपनी संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। आप इसी तरह इस साधना में लगे रहें और आज जहां गुरु जी बैठे हैं, आज वहां खुद बैठे हैं आप।